चलो ये परसेंटेज एरर का प्रॉब्लम है। आई होप कि ये सभी सभी से क्वेश्चन हो जाएगा। इट्स अ वेरी इजी प्रॉब्लम और इसको आप कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो। ये कहता है एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ और फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट होते ही रहते हैं। ए बी सी डी चार क्वांटिटी है, 1%, 2%, 3%, तो पी में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो आपको परसेंटेज एरर डायरेक्ट मतलब डेल्टा पी वैसे तो मैं लिख रहा हूँ, पर आप मन में भी कर सकते हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए ना तो दिमाग में भी कर सकते हो, ठीक है। टू टाइम्स डेल्टा ए बाई ए प्लस टू टाइम्स डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी और मल्टीप्लाइड बाई 100, है ना। दिमाग में भी कर सकते हो कि अगर परसेंटेज एरर है तो पावर के टाइम से मल्टीप्लाई होकर एड होता चला जाएगा। मतलब 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, ठीक है, और ये 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 और हाँ 4 3 और ये 4 7 आ गया, 7 और 7 14%, ठीक है, क्योंकि सी डी 7 14%। तो इसको दिमाग में भी कर सकते हो अगर चाहो तो, अगर चाहोगे तो 14%, और नहीं तो आप ऐसे करो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3%, 4%, कुल मिला के इसको जोड़ लो, ठीक है। तो 2, ये 3 था ना यार, अरे भाई ये 3 था, ठीक है, 3, 3, 7 है, 14% के आसपास, 14% एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये चलो, ये कहता है डैम्पनिंग फोर्स ऑसिलेटिंग डायरेक्टली